विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या हो सकती है और इस कृत्य को अंजाम देने में आरएसएस की भूमिका हो सकती है, जिसमें चुनाव में हिंदू मुस्लिम हो। सुनिए टिकैत का यह विवादित बयान। मारे जाएंगे, ये फीडबैक सरकारों के थे। सरकार ये चाहती थी कि इस आंदोलन में कत्लेआम हो, इस आंदोलन में हिंदू सिख हो, इस आंदोलन में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई हो। और आज भी जब भी उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होंगे, किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी, बचकर रहना। जो हिंदू की बात करते हैं, ये आरएसएस के लोग आपकी हत्या करवाने का काम करेंगे। ये चुनाव को फिर हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करवाएंगे। किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवा के ये चुनाव जीतना चाहते हैं। जो भी इनकी बात करेगा, आप बचकर रहना। इससे खतरनाक पार्टियां नहीं हो सकती। जिसने अपने लीडरों को अंदर बंद कर रखा है, कहां है लाल कृष्ण आडवाणी, कहां है मुरली मनोहर जोशी, जो स्टेज पर आकर कहते थे कि सुविधा से जागरण के मंच पर बात करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते थे, पेस्टिसाइड आउटडोर इंडिया की बात करते थे, कहां गए? आज उनके घरों पर पुलिस लगा रखी है, उनके घर के अंदर कोई प्रेस के लोग नहीं जा सकते। एक बयान देने की हैसियत उनके बुजुर्गों की नहीं है, उन्हें घर में कैद कर रखे हैं। अंदर जिन्होंने पार्टी बनाई थी, वे घरों के अंदर कैद हैं। ये बीजेपी के लोग ये कह रहे, जी आप हमारी पार्टी, भाई तुम्हारी पार्टी का अपने नेताओं को छुटवाओ, पहले उनसे बयान दिलवाओ, इस किसान मोर्चे के संबंध में उनसे बयान दिलवाओ। आपके तो नेता कैद में है, तो ये हमको या किसी को छोड़ देंगे? तो ये आपको ये आंदोलन